डीएक्स बाय साइन फोर थीटा प्लस कॉस फोर थीटा, ये शायद हो गया ना। ये देखिए डीएक्स बाय साइन, ये वाला देखिए, ये देखा है, ये उसी का पार्ट भी है। ओके चले पढ़ाते हैं। और आर डी शर्मा का बोला था कोई बच्चा ने कि एक ही बच्चा योजनी की थी, आर डी शर्मा का एक्सरसाइज बोला था कोई बच्चा ने किया। चलिए देखिए अब पढ़ते हैं, डी थीटा बाई साइन सिक्स थीटा प्लस। अच्छा ठीक है, कौन और कौन क्या था, ठीक है बाद में बातचीत करते हैं। ओके अच्छा बच्चों देखिए एक क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला बोलिए, ये इस टाइप का ये फॉर्मूला के बाद आएगा। अच्छा एक काम कीजिए, इसको क्या दिए डी थीटा बाय कितना, ये साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, और ये बनाइए कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। अच्छा एक क्यू प्लस बी क्यू का फैक्टराइज फॉर्मूला बोलिए, ए क्यू प्लस बी क्यू का फैक्टर फॉर्मूला ए प्लस बी ऑल इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वही फॉर्मूला यहाँ पर बच्चों अप्लाई होगा। ये डी थीटा बाई ए प्लस बी होल इंटू ए प्लस बी होल इंटू ए स्क्वायर ए प्लस बी होल इंटू क्या है ए स्क्वायर प्लस सॉरी ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस ए बी। उसके बाद प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई होगा। ओके देन बच्चे ये वन हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, ये साइन फोर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस का थीटा प्लस कॉस फोर थीटा और ए डी थीटा। इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, ये भी तुम्हारा इस टाइप का क्वेश्चन भी है तुम्हारा दिए है, इसमें प्लस है, इसी में से 2014 में आया था। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों बोलिए, इसके बाद क्या करेंगे, क्या डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे, ये टैन फोर थीटा होगा कॉस फोर, ये टैन आएगा, ये फिर ऊपर हो जाएगा टैन फोर थीटा डिवाइड की। जिसके बाद इस टाइप का एक तो किए थे, शाम को भी एक तो क्वेश्चन किए थे। इसके बाद बच्चों इसको इसमें क्या डिवाइड कीजिए, कॉस फोर थीटा डिवाइड कीजिए। ओके कॉस फोर थीटा डिवाइड कीजिए ऊपर नीचे, हम लोग ऐसा रहते थे कि डी एक्स बाय ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी बी साइन स्क्वायर एक्स, इसमें क्या डिवाइड कर रहे थे, ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स में क्या डिवाइड कर रहे थे, ऊपर नीचे में क्या डिवाइड कर रहे थे, कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड कर रहे थे। इस टाइप का क्वेश्चन में डिवाइड कीजिए साइन फोर थीटा या कॉस फोर थीटा डिवाइड कीजिए। ओके साइन फोर थीटा या कॉस फोर थीटा डिवाइड कीजिए बच्चों, तो ऊपर साइन कॉस फोर थीटा डिवाइड कीजिए, नीचे भी कॉस फोर थीटा डिवाइड कीजिए, कॉस फोर थीटा डिवाइड कीजिए। देन बच्चे बन रहा है एक तो सेक फोर थीटा बनेगा, एक सेक्स का थीटा इंटू सेक्स का थीटा बनाइए, सेक फोर थीटा बनेगा, ये टैन फोर थीटा बनेगा, ये एक तो कॉस स्क्वायर कट जाएगा और साइन स्क्वायर में ये टैन स्क्वायर थीटा बनेगा, ये प्लस टैन बनेगा। ओके अभी यहाँ पर भी एक काम कीजिए, इस एक्स स्क्वायर थीटा को वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा रखिए और इस एक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा टैन फोर थीटा को टी लीजिए, टैन फोर थीटा को टी लीजिए
बाद में लेंगे, इसके बाद माइनस टैन स्क्वायर थीटा प्लस वन, टैन फोर थीटा को टी लीजिए, वन प्लस टी स्क्वायर टैन थीटा को टी लेंगे, हाँ टैन थीटा को टी लेंगे तो सेक्स का थीटा डी थीटा डी टी होगा, और ये टी फोर माइनस टी प्लस वन, बच्चों ये द्वारा आया ऐसे ये टी स्क्वायर प्लस वन, ये टी फोर प्लस वन माइनस टी, बच्चे ये बाई क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला है। बाई क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला में क्या करते हैं, ये बाई क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला है। बाई क्वाड्रेटिक के फॉर्मूला में बच्चों क्या करते हैं, जो बच्चे नहीं आए थे फिर से बोल दे रहा हूँ, जो बच्चे नहीं किए थे नहीं आए थे मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। बाई क्वाड्रेटिक में क्या होता है, ओके बाई क्वाड्रेटिक ऐसा रहता है बच्चों, ये तुम्हारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी रहता है, ये ए ए स्क्वायर एक्स फोर, ये बी स्क्वायर, ये लामड़ा एक्स स्क्वायर, ये लामड़ा रहे या ना रहे इसका स्क्वायर ये रहना जरूरी है, इसका स्क्वायर ये रहना जरूरी है। तो यहाँ पर भी सेम थिंग, ये टी स्क्वायर और टी स्क्वायर का ये वन होता है, इसका स्क्वायर है और इसका स्क्वायर है, ये रहा या ना रहे। इसमें पहला क्या करते हैं, पहला टी स्क्वायर ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं, टी स्क्वायर डिवाइड कीजिए वन आएगा, वन बाय टी स्क्वायर आएगा, इसमें टी स्क्वायर डिवाइड कीजिए, इसका मेथड ये है, टी स्क्वायर पहला ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं, टी स्क्वायर डिवाइड कीजिए, ये माइनस टी आएगा, ऊपर नीचे टी स्क्वायर डिवाइड कीजिए, ठीक है, टी स्क्वायर डिवाइड कीजिए। हम यहाँ गड़बड़ है, ये टी स्क्वायर था क्या, अरे टी स्क्वायर था क्या, अरे बोलो विवेन जी टी स्क्वायर था क्या, क्या आया था बच्चों, अरे क्या आया था बोलिए, यस सर, यस सर, यस सर, अच्छा ये टी स्क्वायर आया था तो ओके, ऊपर नीचे टी स्क्वायर डिवाइड कीजिए ना, नहीं आया था, यहाँ पर हम क्या किए थे, ये टी स्क्वायर आएगा, टी स्क्वायर आएगा, ये टैन स्क्वायर थीटा ना, टी स्क्वायर टैन थीटा को टी लेंगे, देन ये बच्चों टी स्क्वायर आएगा, ओके देन बच्चों वो क्या करेंगे, ऊपर नीचे टी स्क्वायर डिवाइड कीजिए, ये टी स्क्वायर आएगा, ऊपर नीचे टी स्क्वायर डिवाइड कीजिए, ओके टी स्क्वायर डिवाइड कीजिए, से मेथड ये है। जो बच्चे नहीं आए थे थोड़ा देख लीजिए, मेथड सीख लीजिए, देन बच्चों ये क्या होगा, टी स्क्वायर डिवाइड कीजिए ऊपर नीचे, इसका मेथड ऐसा जब रहता है कि इसका स्क्वायर इसका और इसका स्क्वायर रहता है, टी स्क्वायर डिवाइड कीजिए, ये रहेगा वन प्लस वन बाय टी स्क्वायर। जो बच्चे चार बजे ऑप्शन थे देखिए ये वाला, और ये टी स्क्वायर, ये वन बाय टी स्क्वायर, ये तुम्हारा माइनस वन हो गए। उसके बाद बच्चों इसका इंटीग्रेशन जो है नीचे लाएंगे, इसका इंटीग्रेशन वन का इंटीग्रेशन टी है, वन बाय टी स्क्वायर इंटीग्रेशन माइनस वन बाय टी है, इसको जेड ले लीजिए, इसका इंटीग्रेशन नीचे लाएंगे, इसका इंटीग्रेशन नीचे लाएंगे, मीन्स नीचे जो है ना इसका मेथड यहीं पर शुरू होता है, टी स्क्वायर डिवाइड होता है बाई क्वाड्रेटिक का, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर नीचे होल स्क्वायर करके लाएंगे, टी माइनस वन बाय टी का होल स्क्वायर करके लाएंगे, और टी माइनस वन बाय टी को जेड लेने से ऊपर डी जेड बनेगा, तो इसका होल स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन जो है टी माइनस वन बाय टी, इसका होल स्क्वायर इधर लाएंगे, कैसे लाएंगे देखिए, इसका मेथड सुबह बोला गया था, यहां पर टी माइनस वन बाय टी का होल स्क्वायर करना है, तो ए स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया, टी माइनस वन बाय टी का होल स्क्वायर करना है, माइनस ये ऑलरेडी है, टी स्क्वायर प्लस वन बाय टी स्क्वायर ऑलरेडी है, ओके माइनस टू ए कौन है, टी बी कौन है, वन बाय टू, माइनस टू किया गया
माइनस टू किया गया तब प्लस टू किया जाएगा। बच्चों में पहले से बोल रहा था इसका इंटीग्रेशन जो है टी माइनस वन बाई टी नीचे लाया जाएगा, तो लाया गया बच्चों, ये बन गया तुम्हारा टी माइनस वन बाई टी का होल स्क्वायर। ये माइनस टू तो प्लस टू किया गया, ये ऑलरेडी माइनस वन था इधर, यहां पर एक माइनस टू किया तो प्लस टू किया गया, ये टू माइनस वन वन आ जाएगा। इसका जो मेथड है पहला टी स्क्वायर डिवाइड कर दो बाई क्वाड्रेंट का मेथड है, और इसका ऊपर का इंटीग्रेशन ये है जो कि नीचे लाना है टी, उसका इसका इंटीग्रेशन जो है नीचे लाना है टी माइनस वन बाई टू का होल स्क्वायर इसका लाना है। अभी क्या कर लीजिए, इसको जेड ले लीजिए, जो कि मैं पहले से बोला कि इसका टी माइनस वन बाई टू को जेड लिया जाएगा, अब इसको जेड ले लीजिए। ओके, ये बनेगा कितना, ये t माइनस वन बाई टी का होल स्क्वायर बनेगा, t माइनस वन बाई टी का होल स्क्वायर ही बनेगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी टी माइनस वन बाई टी का, इसका इंटीग्रेशन ऊपर वाला टी, ये ऊपर वाला का इंटीग्रेशन है, जब इसका जेड ले लो ऊपर टी, हाँ ये डी जो है ये डी जेड हो जाएगा। ये किसका इंटीग्रेशन हुआ बोलिए, ये किसका इंटीग्रेशन होगा, इसका इंटीग्रेशन टैन इनवर्स जेड। ओके, टैन इनवर्स जेड प्लस जेड किसे लिए थे, जेड किसे लिए थे, टी माइनस वन बाय टी, टी किसे लिए थे, टैन एक्स माइनस वन बाय टी प्लस सी। ओके, टी टी माइनस वन बाय टू टी को टैन एक्स लिए थे, तो बच्चों ऐसा ही होगा तुम्हारा। ओके, तो बच्चों और एक क्वेश्चन जो हमारे करवाए थे बच्चों, इसका मैं वीडियो भी भेजा हूँ, इसका वीडियो भी भेजा, पढ़ लीजिए। देखिए बच्चों इसका हमारा करते हैं बच्चों, रूट रूट के अंदर जो भी रहता है उसका स्क्वायर ले जाता है बच्चों, एक बात ध्यान रखिए, रूट के अंदर जो भी रहता है उसको हम स्क्वायर लेते हैं, तो यहाँ पर सपोज टैन थीटा है उसको हम स्क्वायर लेंगे। एक बात ध्यान रखिए, हम जब भी कोई इंटीग्रेशन करेंगे रूट का अंदर जो भी रहता है उसका स्क्वायर ले आ जाता है बच्चों। ओके, और यू कैन से रूट टैन थीटा को टी लेंगे, रूट टैन थीटा को टी लेंगे बच्चों। और एक बात ध्यान रखिए, जो रूट के अंदर जो रहता है उसको टी स्क्वायर ले आता है, उसका स्क्वायर ले आता है, नहीं तो उसको पूरा को टी ले लीजिए, स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर रूट होगा रूट टैन थीटा टी होगा। डी थीटा क्या रिप्लेस होगा, डी थीटा क्या रिप्लेस होगा, देखिए अब क्या कीजिए, डेरिवेटिव करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, नहीं तो विथ रेस्पेक्ट टू टी, जो भी एक तो कर सकते हो, डेड विथ रेस्पेक्ट टू मैं थीटा ले रहा हूँ, इधर भी लेना पड़ेगा, लेकिन इधर लेंगे तो डेरिवेटिव नहीं होगा, इधर विथ रेस्पेक्ट टू थीटा लेंगे तो नहीं होगा, तो एक तो टी डिवाइड करना है, डिवाइड किए तो एक तो इंटू करना है, यहाँ पर विथ रेस्पेक्ट टू थीटा इधर भी लिए लेकिन इधर विथ रेस्पेक्ट टू थीटा डिवाइड नहीं होगा, तो एक टी डिवाइड करो टी टू करोगे, डेरिवेटिव टैन थीटा क्या होता है सेक्स का थीटा। बच्चों हम यहाँ पर रूट का अंदर जो भी रहता है उसको स्क्वायर लेते हैं, टी स्क्वायर लेते हो, तो टैन थीटा को टी स्क्वायर लीजिए या रूट टैन थीटा को टी लीजिए, तो डी थीटा क्या रिप्लेस हो रहा है, देखिए दोनों तरफ विथ रेस्पेक्ट टू थीटा लिया गया, ये डेरिवेटिव नहीं होगा थीटा में, एक तो डीटी डिवाइड करो टी टू करो, इसका डेरिवेटिव अब हो जाएगा टू टी और डीटी बाय और टू टी डीटी हुआ बाय डी थीटा। अच्छा देखिए सेक्स का थीटा को वन प्लस टाइम्स का थीटा लिख सकते हैं, ये टू टी डी थीटा और डीटी, देखो अच्छा हमारे टैन थीटा को क्या लिया है बच्चों, टैन थीटा को क्या लिया है टी स्क्वायर लिया है, तो डाल दीजिए वन प्लस टी फोर्थ हो जाएगा, ये टू टी डी थीटा इंटू डी टी, तो बच्चों हमारा जो डी थीटा क्या रिप्लेस होगा, टू टी बाई वन प्लस टी फोर्थ बाई डी टी। बच्चों यहाँ पर हम जो रूट टैन थीटा का इंटीग्रेशन निकालेंगे, रूट टैन थीटा का इंटीग्रेशन जो है जो स्क्वायर रूट में जो रहता है उसको टी स्क्वायर ले आता है, तो ये टैन थीटा स्क्वायर रूट टी स्क्वायर, और नहीं तो रूट
स्क्वायर उधर ले दीजिए, स्क्वायर डी हो गया, उसको डेरिवेटिव किए बच्चों, तो डी थीटा क्या रिप्लेस हो रहा है, सेक्स का थीटा वन प्लस टाइम का थीटा कीजिए, हमारा टान थीटा टी स्क्वायर है, टान थीटा का टी स्क्वायर है, टान थीटा का टी स्क्वायर का स्क्वायर यह आएगा, तो डी थीटा क्या रिप्लेस हुआ, 50 बाई वन प्लस टी फोर, ये 50 बाई वन प्लस टी फोर इसको क्या करेंगे ना कि हम लोग किए थे जो ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन है, ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन है, करेंगे अभी इससे पढ़ाया नहीं तो बच्चों हम लोग का ये वाला पढ़ाया नहीं, पढ़ाएंगे ओके। ये पढ़ाए थे सुबह सुबह, अभी हमारा क्या आया था, कहां पर क्वेश्चन रह गया, अच्छा बच्चों कहां पर वो रह गया, बेस पता नहीं, अच्छा क्वेश्चन क्या था, जो रूट टैन थीटा को कर रहे थे तो कहां पर रह गया, यही वाला क्वेश्चन शायद नहीं, ये वाला भी नहीं है, हाँ ये वाला बच्चों हम लोग रूट टैन थीटा को टी किए थे ओके, तो बच्चों ये तुम्हारा ऐसा आया ओके, तो ये तुम्हारा क्या हुआ, डी थीटा क्या रिप्लेस हुआ, डी थीटा रिप्लेस हुआ 50 बाई वन प्लस टी फोर, बच्चों बस यहाँ पर थोड़ा अलग ऐसा करना है, इसका ये करना है एक तो टी स्क्वायर प्लस वन एक तो करना है, फिर टी स्क्वायर माइनस वन करना है, वो बाइक्वाड्रेट का वो फॉर्म लाने के लिए करना है, जो टू टी स्क्वायर आया एक टी स्क्वायर प्लस वन माइनस वन कर देना है, इसका मेथड पढ़ा हुआ बच्चों, ये ऐसे रहेगा तो ओके, बच्चे टी स्क्वायर प्लस वन आया ओके, टू टी स्क्वायर आया बच्चों, उसको टी स्क्वायर किया प्लस वन माइनस वन, अब इंडिविजुअल कीजिए, टी फोर प्लस वन इंडिविजुअल कीजिए, टी फोर माइनस वन बच्चों आ गया फॉर्म में आ गया, ये टू टी स्क्वायर था इसको प्लस वन माइनस वन किया, बच्चों आ गया फॉर्म में, कैसे करेंगे डिवाइड टी स्क्वायर किए थे सुबह, ये दोनों टी इसका अलग किए थे, इसका भी अलग किए थे, क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन, बच्चों क्या करेंगे डिवाइड टी स्क्वायर ऊपर नीचे, इसका डिवाइड कीजिए, ये वन प्लस वन बाय टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर प्लस वन बाय टी स्क्वायर, इसका भी डिवाइड कीजिए बच्चों, वन माइनस वन बाय टी स्क्वायर, और ये टी स्क्वायर माइनस वन, ये टी स्क्वायर इसे ऊपर भी डिवाइड किए नीचे भी डिवाइड किए, ऊपर नीचे टी स्क्वायर डिवाइड किए इधर भी डिवाइड किए, बच्चों इसका इंटीग्रेशन नीचे आना है, वन प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, वन बाई वन प्लस टी स्क्वायर वन का इंटीग्रेशन टी आएगा, और इसके इंटीग्रेशन माइनस वन बाई टी आएगा, इसको जेड लीजिए, मीन्स यहाँ पर ना डिनोमीटर में टी माइनस वन बाई टी का होल स्क्वायर लाना है, अगेन इसका देखिए, इसका वन का इंटीग्रेशन टी आएगा, माइनस का प्लस आएगा वन बाई टी, इसको ले लेते हैं वाई ले लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन नीचे आएगा बच्चों, इसका इंटीग्रेशन जो है नीचे आएगा ओके, उसके बाद वाई लोगे तो ऊपर डी वाई बनेगा,
तो वो चीज इसका नीचे टी माइनस वन बाई टी का हो उसका कर ले इसका नीचे देखिए वन प्लस वन बाय टी स्क्वायर टी माइनस वन बाई टी का हो उसका करना है और उसको जेड लेना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। अच्छा बच्चों देखिए ये टी स्क्वायर प्लस वन बाय टी स्क्वायर ऑलरेडी था, ये टी स्क्वायर प्लस वन बाय टी स्क्वायर ऑलरेडी बच्चे यहाँ पर ऐसा आया टू टी स्क्वायर को दो ब्रेक किए ऐसे दो पार्ट कर दिए। अब इसका इंटीग्रेशन हम सुबह किए थे बच्चों, इसका इंटीग्रेशन हम सुबह किए थे, इसका भी अलग सा इंटीग्रेशन किए थे, ये इसका इंटीग्रेशन ये आया बच्चों, इसका होल स्क्वायर नीचे लाना है, टी माइनस वन बाय टी का होल स्क्वायर ये नीचे लाना है, इसका इंटीग्रेशन यह है और ये टी माइनस वन बाई टू का लाने से इसको जेड लेने से फोर डी जेड होगा, तो इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, माइनस टू ए बी कहते हैं प्लस टू ए करना है, ये यहाँ पर नेक्स्ट टाइम ये टी माइनस वन बाई टी करना है, इसको जेड लेने से फोर डी जेड होगा। नेक्स्ट बच्चों इसका इंटीग्रेशन नीचे लाना है, इसका इंटीग्रेशन टी प्लस वन बाई टू नीचे लाना है, यहाँ गड़बड़ हो गया, ये t4 प्लस वन था, t4 प्लस वन था डिनोमिनेटर t प्लस t4 प्लस वन था, डिनोमिनेटर t4 प्लस वन था, डिवाइड कीजिए नीचे बच्चे इसका t प्लस वन बाय टी का होल स्क्वायर करना है, इसका अलग देखिए इसका t प्लस वन बाय टी का होल स्क्वायर करना है, ये वाला t प्लस वन बाय टी का होल स्क्वायर करना है, इसका इंटीग्रेशन ये स्क्वायर हो गया प्लस बी स्क्वायर हो गया प्लस टू ए बी, देखो प्लस टू किए तक तो माइनस टू ए बी किया, माइनस टू करना है टू ए बी। बच्चों इसका इंटीग्रेशन जो है इसका इंटीग्रेशन टी माइनस वन बाय टू नीचे लाना है, तो बच्चों ये बन गया वन प्लस वन बाय टी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन बना टी माइनस ये t माइनस वन बाय टी का होल्स का, जो बच्चे सुबह आए थे वही समझ में आएगा, जिसको नहीं आता है तो फिर से मैं वीडियो भेजूंगा समझिए। ये इसका इंटीग्रेशन ये है t माइनस वन बाय टू जो कि नीचे लाना है, मीन्स नीचे t माइनस वन बाय टू का होल्स कर लाना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस टू ए बी हुआ, माइनस टू प्लस टू हुआ। अब इसको जेड ले लीजिए क्योंकि हम आज के जेड, इसको जेड ले लेंगे क्योंकि इसका इंटीग्रेशन ये है, इसको जेड लेंगे तो फोर डी जेड होगा, इसको जेड लीजिए देन ऊपर डी जेड हो जाएगा। अरे समझ में आया कि नहीं, आजाद समझ में आया, इसका इंटीग्रेशन तुम्हारे एग्जाम में भी आया था सीबीएसई में, ओनली ये पार्ट का भी आया था सीबीएसई में, ओनली ये पार्ट का भी आया था सीबीएसई में, पहला टी स्क्वायर डिवाइड करना है, इसका इंटीग्रेशन टी माइनस वन बाय टू है तो यहाँ पर टी माइनस वन बाय टू का होल स्क्वायर चाहिए, तो इसका प्लस माइनस टू तो प्लस टू किए तो टी माइनस वन बाय टू का होल स्क्वायर किए, इसको जेड लिए, पहले से मैं बोला था इसको जेड लेना है, इसको जेड लिए तो ऊपर डी जेड हुआ। बस इसका इंटीग्रेशन देखिए पहला टी स्क्वायर डिवाइड कीजिए, इसका इंटीग्रेशन टी प्लस वन बाय टू है तो नीचे टी प्लस वन बाय टू का होल स्क्वायर चाहिए, नीचे टी प्लस वन बाय टू का होल स्क्वायर चाहिए, तो इसका प्लस टू किया तो माइनस टू हुआ, तो बच्चे इसका देखिए और थोड़ा ये वन माइनस वन बाय टी स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन जो टी प्लस वन बाय टी नीचे लाना है, ये बना टी प्लस वन बाय टी का होल स्क्वायर आगे, देन बच्चे माइनस रूट टू का स्क्वायर कीजिए। अच्छा जब ये मैं पहले से बोला इसको y लेना है, इसका इंटीग्रेशन जो है y लेना है, इसका इंटीग्रेशन जो है y लेना है, तो इसका इंटीग्रेशन t प्लस वन बाय टू नीचे लाना है, t प्लस वन बाय टू नीचे लाना है, मीन्स t प्लस वन बाय टू का होल्स का नीचे करना है, कर दिए। अब इसको y ले लीजिए, अब इसको y ले लेंगे तो ओ डी वाई हो जाएगा, ये इसको हम z लिए, इसको हम z लिए तो dz हो गया, और इसका भी सेम थिंग, ये y ले लीजिए y स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर,
तो ऊपर डी वाई हो जाएगा इसका विथ डी टी जो है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन नहीं है, इसको वाई लेंगे तो ऊपर डी वाई होगा। तो बच्चे क्या आया, ये वाला क्या आया, इसका इंटीग्रेशन बोलिए, इसका इंटीग्रेशन बोलिए, कौन बोलेगा, अरे इसका इंटीग्रेशन बोलो, वन बाय टू ए टैन इनवर्स जेड बाई ए, और बच्चे इसका इंटीग्रेशन बोलो सर, वन बाय टैन इनवर्स एक्स, ये डी वाई, इसका इंटीग्रेशन बोलो डी वाई बाय वाई स्क्वायर वन, इसको इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर लाए, इसका इंटीग्रेशन टी सर आप वन बाय टू ए लिखते हैं, वन बाय टू होगा, ओके वन बाय टू। वन बाय रूट टू टैन इनवर्स कितना, वाई स्क्वायर माइनस टू रूट टू स्क्वायर है ना, अरे वो वाला क्या जेड था, वन बाय टू ए वन बाय रूट टू, वन बाय टैन इनवर्स जेड बाय रूट टू आएगा, और इसका इंटीग्रेशन बोलिए डी वाई बाई वाई स्क्वायर वाई ए, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन इधर लाए, बच्चे समझ में आया, टी स्क्वायर डिवाइड किए, इसका इंटीग्रेशन ये टी प्लस वन बाई टू नीचे लाना है, तो इसलिए नीचे टी प्लस वन बाई टू को होल्ड कर किया, प्लस टू किया तो माइनस टू किया, अभी इसका इसका इंटीग्रेशन ये है, तो इसको वाई ले लेंगे तो ऊपर डी वाई होगा, तो ये डी वाई बाई वाई स्क्वायर बाई टू टू से क्या फॉर्मूला है, वन बाई टू ए लॉग एक्स माइनस ए बाई वाई, एक्स माइनस ए बाई ए, ये वाई माइनस रूट टू बाई वाई प्लस टू। अच्छा इसका जेड क्या लिए थे बच्चों, बच्चों जेड क्या लिए थे, इसका जेड क्या लिए थे, टी माइनस वन बाई, हाँ टी माइनस वन बाई टू, टी किसे लिए थे, टैन थीटा, टी माइनस क्या थे, टी माइनस वन बाई टू, टैन थीटा माइनस वन बाई टैन थीटा, और इसका क्या जेड लिए थे, और इसका क्या जेड लिए थे सर, टी सर रूट टैन थीटा को टी लिए थे, हाँ रूट टैन थीटा को, ये टी स्क्वायर आएगा नहीं, तो क्या हुआ था बच्चा हम लोग का, टी माइनस वन बाई टू लिए थे जेड, तो टी पर रूट टैन थीटा हो गए, तो रूट टी माइनस वन बाई रूट टैन थीटा माइनस वन बाई रूट टैन थीटा, और ये लॉग वाई क्या लेते हैं, टी प्लस वन बाई टी, टी प्लस वन बाई टी मीन्स रूट टैन थीटा प्लस वन बाई रूट टैन थीटा माइनस रूट टू, ये रूट टैन थीटा, टी हमें रूट टैन थीटा लेते हैं, ये वन प्लस रूट टैन थीटा प्लस रूट, तो बच्चे यही लेते इसका, समझ में आया कि नहीं आया, अरे तुम बच्चे लोग को समझ में आ गया, इसका इंटीग्रेशन ये इसका होल स्क्वायर किए थे, टी लिए थे, टी को रूट टैन थीटा लिए थे, इसका टी प्लस वन बाय टू लिए, इसका इंटीग्रेशन टी प्लस वन, इसको वाई लिए थे तो डी वाई हुआ, जो समझ में नहीं आया और एक करने से समझ में आएगा बच्चों, नहीं तो मैं वीडियो भेजूंगा समझ लीजिए, अभी जो करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, अभी जो ये मेथड करेंगे बाई क्वाड्रेटिक का, ये एनसीईआरटी में, चलिए देखते हैं, ये तुम्हारा रूट टैन एक्स, रूट कॉट एक्स को क्या कीजिए, वन बाय रूट टैन एक्स, रूट कॉट एक्स को वन बाय रूट, अभी जो कर रहे हैं बच्चों ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल में है, मिसलेनियस में, ओके इसी मेथड में करोगे तो पूरा फुल मार्क मिलेगा, रूट टैन एक्स इंटू रूट टैन एक्स प्लस टैन, ओके। तो बच्चों रूट के अंदर जो भी रहता है उसको टी स्क्वायर लेते हैं, तो टैन एक्स को हम टी स्क्वायर लेंगे, रूट के अंदर जो भी लेते हैं टी स्क्वायर लेंगे, तो रूट टैन एक्स क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, रूट टैन एक्स क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लिए तो बच्चों ये रूट टैन एक्स रूट टैन एक्स प्लस ये, ओके ये बच्चों टी बन जाएगा, सबसे बड़ी बात इसका dx क्या रिप्लेस होगा, वो सबसे बड़ी बात है, ये t बन जाएगा, द
देन बच्चों टैन एक्स टी स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा, रूट टैन एक्स टी होगा। रूट का अंदर जो रहता है, रूट के अंदर जो रहता है हमेशा इंटीग्रेशन में इसका स्क्वायर लीजिए, देन पर रूट टैन एक्स टी हो जाएगा, ये हो गए। अच्छा डीएक्स क्या रिप्लेस होगा, डीएक्स क्या रिप्लेस होगा थोड़ा देखिए, हम क्या किए थे टैन एक्स को टी स्क्वायर लेते, डेरिवेटिव कीजिए दो विथ रेस्पेक्ट टू एक्स दोनों तरफ, इसका जब डेरिवेटिव करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स होगा नहीं, एक डीटी डिवाइड करोगे एक इंटू करोगे, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे दोनों तरफ, ये डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट एक्स करेंगे तो होगा नहीं, तो एक डीटी डिवाइड कीजिए एक इंटू कीजिए, इसका डेरिवेटिव टैन एक्स, ओके रूट कॉट एक्स ही कर दिए, हमें रूट के अंदर जो रहते टी स्क्वायर लिए तो रूट टैन एक्स टी हुआ, तो टी स्क्वायर प्लस, और डी एक्स क्या रिप्लेस होगा, इसको डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स दोनों तरफ कीजिए, इसका नहीं होगा डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डी टी डिवाइड कीजिए इंटू कीजिए, इसका डेरिवेटिव टैन एक्स का सेक्स स्क्वायर एक्स होगा, इसका डेरिवेटिव टू टी आएगा, और ये डी टी बाई डी एक्स, सेक्स स्क्वायर थीटा को टैन में कन्वर्ट कीजिए, ये टूटी डी टी बाई डी एक्स। अच्छा टैन एक्स को टी, टैन एक्स को टी स्क्वायर लिए थे, टैन एक्स को टी स्क्वायर है, टैन स्क्वायर ये वन प्लस टी फोर्थ होगा इक्वल टूटी डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स क्या रिप्लेस होगा, टूटी डी टी बाई टी फोर्थ प्लस वन, तो डी एक्स वाले क्या रिप्लेस कीजिए, 50 by t4 plus 1, ये root tan x root ये बहुत ही चाहिए, तो dx क्या रिप्लेस होगा 50 by t4 plus 1 लेते होंगे, बच्चे ये t t कर जाएगा, ये t बाहर रखिए 2 बाहर रखिए, अभी जो सॉल्व कर रहे बच्चे ये बुक में है, ओनली ये पार्ट भी एग्जाम में आया था, ओनली ये पार्ट बच्चे एग्जाम में आया था, ओनली ये पार्ट सीबीएसई में आया था, अब छोड़िए बच्चों ये किए रूट टैन एक्स को रूट कॉट एक्स, डी एक्स क्या रिप्लेस हुआ, डी एक्स ये रिप्लेस हुआ, आप बच्चों करेंगे कैसे, बच्चे ऊपर नीचे जो बच्चे नहीं पढ़े हो वीडियो भेज दूंगा पढ़ लीजिए, ऊपर नीचे टी स्क्वायर डिवाइड कीजिए, इसमें भी टी स्क्वायर डिवाइड कीजिए, इस ऊपर वाला का इंटीग्रेशन, ऊपर वाला का इंटीग्रेशन वन का इंटीग्रेशन टी, और इसका इंटीग्रेशन माइनस वन बाई टी, ये टी माइनस वन बाई टी का होल स्क्वायर इधर बनना है, इधर टी माइनस वन बाई टी का होल स्क्वायर बनना है, इसको जेड लेगा तो ऊपर डी जेड होगा, यहाँ पर t माइनस वन बाई टी का होल स्क्वायर बनना है, बन जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, देखिए कैसे बन जाएगा, देखिए ऊपर का इंटीग्रेशन नीचे लेना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, इसको टी का होल स्क्वायर कीजिए माइनस वन में, ओके माइनस टू ए बी, बी क्या है वन बाई टू, वन बाई टी, बी क्या है वन बाई टी, तो बच्चे माइनस टू किया था तो प्लस टू करूंगा, तो बच्चों ऊपर वाला का इंटीग्रेशन नीचे लाना है जो कि हो गया वन प्लस वन बाई टी स्क्वायर, ये बच्चे बना ई माइनस वन बाई टी का होल स्क्वायर। अच्छा बच्चों ऊपर का इंटीग्रेशन नीचे आ गया, ऊपर का इंटीग्रेशन जो है वन पे ये नीचे आ गया बच्चों, जब आ गया बच्चों इधर देखिए इसको जेड लीजिए, जब इसका इंटीग्रेशन ये है तो ऊपर वो डी जेड हो जाएगा, इसका फॉर्मूला बोलिए,
इसका फॉर्मूला बोले अरे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला वन बाय ए टैन इनवर्स जेड बाय रूट टू प्लस सी बच्चे इसका ये करोगे तो रूट टू रहेगा कट जाएगा टैन जेड किसे लेते बच्चों जेड हम टी माइनस वन बाय टी लेते टी माइनस वन बाय टी लेते ओके टी किसे लेते बच्चों देखिए ऊपर पे देखिए टी किसे लेते रूट टैन एक्स को लेते रूट टैन एक्स टी हो जाएगा देन बच्चे रूट टू ये टैन इनवर्स ये रूट टी माइनस वन बाय रूट टी ओके ये टैन एक्स को लिए थे बच्चों रूट टी थोड़ा उसको और थोड़ा सिंपलीफाई करोगे देखिए एनसीईआरटी एग्जाम्पल में क्या दिया है यहां पर क्या कीजिए रूट टैन टैन इनवर्स ये रूट टैन एक्स को एलसीएम लीजिए रूट टैन एक्स इंटू रूट टैन एक्स माइनस वन ये डिवाइड टू इधर रखिए यही आया था तुम्हारा आंसर में ओके ये मेथड बच्चों दिया है तुम्हारा बुक का एग्जाम्पल में बहुत इजी है ये वन बाय रूट टैन एक्स कर दिए एलसीएम लिए हमारा अंदर में जो होता है उसको टी स्क्वायर लिया जाता है वाह और ये डी टी हुआ ये टी फोर प्लस वन आएगा टी फोर प्लस वन आने के बाद ये किया जाएगा इसका और एक मेथड भी है बच्चों देखो बच्चों इसका ये हमारा बात ये है इटरेशन जब करते हैं तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस बी ये ए स्क्वायर एक्स फोर प्लस बी स्क्वायर प्लस लैम्डा एक्स स्क्वायर ये फॉर्म लाना चाहिए बच्चों इसका स्क्वायर ये रहना है और एक्स और इसका स्क्वायर ये रहना है तभी जाके होगा बच्चों ये दोनों क्वेश्चन कराएंगे ओके सिर्फ बोल देंगे और कुछ नहीं उसके बाद तो बच्चों यहाँ पर थ्री एक्स का दोनों आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर ए इसका स्क्वायर रहना है थ्री एक्स का दोनों आना चाहिए इसीलिए एक तो वन बाय सिक्स डिवाइड करूंगा एक इंटू करूंगा बच्चों ये क्या कर दे और ये फाइव का स्क्वायर चाहिए फाइव चाहिए जैसे बी है तो बी स्क्वायर है ना बी है तो बी स्क्वायर है ना फाइव चाहिए तो बच्चों क्या करूंगा ये थ्री एक्स स्क्वायर इधर भी थ्री एक्स स्क्वायर फाइव लेकिन उठ जाना चाहिए प्लस फाइव एक्स करूंगा माइनस फाइव भी करूंगा ये नाइन एक्स फोर प्लस ट्वेंटी फाइव प्लस थ्री एक्स स्क्वायर अब बच्चों आराम से हो जाएगा देखो ये दिस बाय दिस कीजिए ओके और एक दिस बाय दिस कीजिए उसके बाद बच्चों क्या करते हैं हम लोग डिवाइड करते हैं इसके बाद बच्चों इसका हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं क्या डिवाइड करें एक्स स्क्वायर डिवाइड कीजिए एक्स स्क्वायर डिवाइड कीजिए ऊपर नीचे यहां पर भी सेम थिंग बच्चों एक्स स्क्वायर डिवाइड कीजिए एक्स स्क्वायर नीचे भी डिवाइड कीजिए ये एक्स फोर रहता है बच्चों एक्स फोर एक्स स्क्वायर डिवाइड कीजिए उसके बाद बच्चों इसका इंटीग्रेशन नीचे रहना है इसका इंटीग्रेशन जो है नीचे रहना है इसका होल स्क्वायर करना है इसका इंटीग्रेशन आएगा थ्री एक्स माइनस फाइव बाई एक्स मीन्स नीचे थ्री इसको जेड रूट टी ले लीजिए नीचे यहां पर ना यहां पर थ्री एक्स माइनस फाइव एक्स का होल स्क्वायर होना है
ओके और यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन नीचे रहना है, इसका इंटीग्रेशन 3x प्लस 5 बाई एक्स आएगा, इसका इंटीग्रेशन 3x प्लस 5 बाई एक्स, इसको जेड ले लीजिए, इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर रहना है, तब जब इसको जेड लोगे तो ऊपर dz होगा, जब इसका इंटीग्रेशन नीचे रहेगा तब इसको t लोगे तो ऊपर dt होगा। तो बच्चे समझ में आया बच्चों, ये 6 था, 6 ये 6 था बच्चों, मैं फिर से समझा रहा हूँ, और मेथड इसका स्क्वायर ये रहना है, इसका स्क्वायर ये रहना है। तो बच्चों तो यहाँ पर मेरा 9x4 तो 3x रहना है, तो दो ठो रहना है इधर उधर रहना, 9x4 तो दो ठो रहना है, 3x का रहना है। तो क्या करेंगे, ऊपर एक 3x का, 3x का चाहिए तो डिवाइड से सीखिए, ये इसका स्क्वायर रहना है, इसका 5 रहना है, 5 होने से उसका स्क्वायर ये रहेगा प्लस 5 माइनस 5, उसके बाद वो तो इसे चलता गया, इसका स्क्वायर इधर नीचे रहना है, उसको टी लेंगे तो ऊपर डीटी होगा। देखिए एक बार 3 प्लस थ्री प्लस फाइव एक्स स्क्वायर डी एक्स, देखो ऑलरेडी ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, हमें 3x माइनस 5x का होल स्क्वायर चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, हमें 3x माइनस 5x का होल स्क्वायर इधर बनाना है नीचे, माइनस टू ए कौन है, डी एक्स, बी कौन है, मीन्स कितना सब्ट्रैक्शन हुआ, माइनस 30 हुआ, माइनस 30 हुआ तो प्लस 30 करोगे, इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, हमें इसका होल स्क्वायर नीचे करना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है, यहाँ पर माइनस 30 किए तो प्लस 30 करना है, प्लस 30 और 3 प्लस 33 होगा। ओके मैं इसका पार्ट खत्म कर देता हूँ, ये 3 प्लस 5 बाय एक्स को इसका पार्ट में खत्म कर देता हूं, ये बना बच्चों क्या बना, 3x माइनस 5 बाय एक्स का होल स्क्वायर बना, ये रूट 33 बना। जब बच्चों इसका इंटीग्रेशन नीचे आ गया, इसको t ले लेंगे, पहले से मैं भी बोला था इसका इंटीग्रेशन इधर आना है, इसका इंटीग्रेशन ये है, उसको हम t लेंगे, बच्चा आ गया वही, इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर आया, ये ऑलरेडी ए स्क्वायर बी स्क्वायर था, माइनस टू ए भी करना था, तो माइनस टू ए भी किए तो माइनस 30 हुआ तो प्लस 30 एक किए, माइनस 30 किए तो प्लस 3 ऑलरेडी है, माइनस 30 किए तो प्लस 30 और 3 33 हुआ, ये माइनस 30 हुआ तो एक प्लस 3 में प्लस 30 कीजिए, माइनस 30 ये ऑलरेडी 3 था, ये माइनस 38 हुआ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो ठीक है, तो ये पहले माइनस 30 हुआ तो प्लस 30 करो, धनित वाला ये बनेगा। अभी बच्चों मैं इसको टी ले जाए, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन इधर नीचे है, इसका डेरिवेटिव डीटी ऊपर आ जाएगा, धनित वाला बच्चों क्या हुआ, क्या फॉर्मूला है इसका, 1 बाय ए टैन इनवर्स एक्स बाई ए, ये टैन लिए थे ठीक हो, टैन इनवर्स एक्स बाई ए, ये एक पार्ट हुआ बच्चों इसका, इसका इंटीग्रेशन इधर नीचे लाए थे, यहां पर बच्चों इसका पार्ट, ये वाला पार्ट भी होगा बच्चों, इसका इंटीग्रेशन नीचे लाएंगे, इसका इंटीग्रेशन ये है 3x प्लस 5x नीचे लाएंगे, ये 3 माइनस 5 बाय एक्स स्क्वायर है, बच्चों इधर 3 ए प्लस बी का होल स्क्वायर चाहिए, ये ए स्क्वायर हुआ प्लस बी स्क्वायर हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ, उसके बाद बच्चों क्या करेंगे, प्लस 2 ए भी हुआ, 2 ए कौन है, बी कौन है, बच्चों इसका इंटीग्रेशन जो है पूरा लगा नीचे लाना है, जो कि 3 प्लस 5x का होल स्क्वायर नीचे लाना है, तो यहाँ पर प्लस 30 हुआ तो
यहाँ पर प्लस थ्री था ऑलरेडी, प्लस थ्री था तो यहाँ प्लस थर्टी हुआ तो एक तो माइनस थर्टी करना है, प्लस थर्टी किए तो माइनस थर्टी करना है। देन बच्चों ये थ्री माइनस फाइव बाई एक्स का एक्स डी एक्स है, ये बना थ्री एक्स प्लस फाइव एक्स का होल स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर नीचे आ गया, इसका इंटीग्रेशन आ गया, ये माइनस थर्टी के प्लस थर्टी के तो माइनस थर्टी, ये कितना माइनस ट्वेंटी सेवन। और जो बात है ना, इसका इंटीग्रेशन इधर लाना है वो भी होल स्क्वायर करके लाना है। नेक्स्ट बच्चों क्या होगा देखो, इसको जेड ले लेंगे, नहीं इस, इसको पहले से क्या लेंगे बोला था मैं, जेड लेंगे क्योंकि इसका इंटीग्रेशन है ये 27। ऊपर डी जेड बच्चों बन गया क्योंकि इसका इंटीग्रेशन नीचे आ गया था। जन बच्चे क्या फॉर्मूला है, जैसे के साथ ये चलेगा, ये क्या फॉर्मूला है, वन बाय टू ए जेड माइनस जेड किसे लेते, थ्री एक्स प्लस फाइव एक्स, थ्री एक्स प्लस फाइव बाई एक्स जेड माइनस ए, थ्री एक्स प्लस फाइव बाई एक्स प्लस रूट ट्वेंटी सेवन। अच्छा बच्चों समझ में आया, हमें इसका इंटीग्रेशन करना था डिवाइड सिक्स एक्स के, क्योंकि इसका थ्री एक्स का थ्री एक्स दो चाहिए, प्लस में कटना है। बच्चे ये वाला बनाएंगे, ये वाला कैसे बनाएंगे, ये वाला अभी बनाए थे रूट टेन एक्स में, पूरा नहीं बनाएंगे जस्ट उसको बोलेंगे। देखो ये एक्स स्क्वायर बाई ये एक्स फोर प्लस वन है, यहाँ डिवाइड टू एक इंटू टू कर दीजिए, ये बच्चे एक्स स्क्वायर प्लस वन एक कीजिए और एक तो वन कटना जरूरी है, माइनस वन एक कीजिए। अब बच्चों ये पर आराम से होगा, ये वाला किए थे कि नहीं रूट एनेक्स में, एक है एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय क्या एक्स फोर प्लस वन, ये एक पार्ट, और एक पार्ट है क्या, अरे एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय एक्स फोर प्लस वन, ये रूट टैन एक्स में बच्चों किए थे वाला, उसका डिवाइड एक्स स्क्वायर कीजिए। रूट टैन एक्स जब करते टाइम में हमारा आया था ये टू आया था, क्या आया था रूट टैन एक्स में करते टाइम ये वाला आया था, इतना आया था रूट टेन एक्स में करते टाइम में इतना आया था, हम क्या कहते हैं कि प्लस वन माइनस वन करके ये, उसके बाद आराम से इसको डिवाइड करोगे इसका इंटीग्रेशन नीचे रखोगे, इसका डिवाइड करोगे एक्स स्क्वायर इसका इंटीग्रेशन नीचे रखोगे, इसका इंटीग्रेशन नीचे होल स्क्वायर करके करोगे, उसके बाद आइंस्टाइन फॉर्मूला अप्लाई करोगे। अब सबसे बड़ी बात है ये वाला क्वेश्चन बच्चों, ये वाला डी एक्स बाई एक्स फोर प्लस वन, देखिए कैसे करेंगे। भाई बहुत सारा मेथड है, अरे क्या हुआ बोलो, ये क्वेश्चन है डी एक्स बाई टू मल्टीप्लाई और डिवाइड, अच्छा क्या बोल रहे हो बोलो फिर से बोलो, अरे टू मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे वो तो है। अच्छा देखिए उसके बाद सर एक्स्ट्रा, हाँ जी आप सही बोल रहे, देखिए आप सही बोल रहे, उसके बाद सर एक्स्ट्रा प्लस वन माइनस एक्स्ट्रा माइनस वन होल में, आप सही बोल रहे। देखिए तो बच्चों हम लोग का ये टारगेट रहना है, अगर ये ऐसा है
इसका स्क्वायर यहाँ पर रहना है और इसका स्क्वायर इधर रहना है, ये टारगेट रहना है। तो बच्चे मैं क्या करूँ, एक डिवाइड टू एक टू इंटू टू करूँगा। ओके, टू को क्या करूँगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन एक टू करूँगा, मेरा एक्स स्क्वायर कटना है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वन एक टू करूँगा। आगे देन बच्चों यहाँ पर क्या होगा, ये इसका भाई ये करूँगा, अभी आराम से हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कटना है। ओके, कॉन्स्टेंट हमेशा जो मल्टीप्लाई डिवाइड करते कॉन्स्टेंट ही कर सकते हो। ओके, ये एक्स स्क्वायर एक्स से कट रहा है कि नहीं, देखिए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई ए, इसके बाद आराम से कर सकते हो कि नहीं, इंटीग्रेशन ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर डिवाइड करोगे ऊपर नीचे। ओके, और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, नाइन एक्स फोर ये कैसे करेंगे, ये कैसे करेंगे इंटीग्रेशन। एक बात ध्यान रखें कि तुम्हारा ए स्क्वायर प्लस बी, इसका स्क्वायर इधर नीचे रहना है, इसका स्क्वायर रहना है, यहां पर लैम्डा एक्स रहे या ना रहे चलेगा, ये बात ध्यान रखना है। इसका स्क्वायर इधर रहना, इसका स्क्वायर इधर रहना। देखो हमें टाइन एक्स है तो थ्री एक्स स्क्वायर चाहिए, थ्री एक्स स्क्वायर थ्री एक्स हो तो बाद में प्लस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स स्क्वायर चाहिए। अच्छा, ये टू का स्क्वायर फोर चाहिए, एक काम कीजिए डिवाइड फोर एक इंटू फोर कीजिए, क्योंकि टू का स्क्वायर ऊपर टू चाहिए, ऊपर टू चाहिए, डिवाइड फोर एक इंटू फोर कीजिए और एक क्या कीजिए, ये थ्री एक्स स्क्वायर कीजिए प्लस टू, और ये थ्री एक्स का कटना बहुत जरूरी है, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर कीजिए, थ्री एक्स का कटना बहुत जरूरी है, माइनस टू कीजिए, नाइन एक्स फोर प्लस थ्री एक्स का। अब बच्चों फॉर्म आ गया कि नहीं, देखिए बच्चों अभी फॉर्म आ गया, ये थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू और इसका स्क्वायर ये है और इसका स्क्वायर है, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर डिवाइड कर दीजिए, इसका इंटीग्रेशन नीचे रखिए, इसका इंटीग्रेशन जो आएगा वो नीचे रखिए, उसको टी लीजिए, ऊपर टी टी होगा। देखिए यहाँ पर एक थ्री एक्स का थ्री एक्स का कटना बहुत जरूरी था और ये तुम्हारा ये फोर आना जरूरी था, ये प्लस टू, ये प्लस टू एक्स स्क्वायर लेन कटना था उसका। देखिए इसका भी सही करेंगे, इसका स्क्वायर यहाँ पर नीचे रहा, माइनस टू का स्क्वायर इधर नीचे रहा। ओके, उसके बाद ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर डिवाइड कीजिए, इसका इंटीग्रेशन जो नीचे रखिए उसको जेड लीजिए, ऊपर डी जेड होगा। आज और एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एक्स फोर कीजिए, एक्स फोर इतना रहने दीजिए, क्या करेंगे बोले, कैसे करेंगे बोले, अभी फिलहाल कुछ चेंज नहीं है बोले, ये कैसे करें देखिए, ये हमारा ऐसा रहना है, इसका स्क्वायर ये रहना है और इसका स्क्वायर ये रहना है और ये लामड़ा रहे या ना रहे। फिर अच्छा देखिए क्या करेंगे, हमारा फोर चाहिए, फोर एक्स स्क्वायर चाहिए, वो तो प्लस फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, फाइव का चाहिए, टेन चाहिए, दो ठो चाहिए, वन बाय टेन ऊपर एक टेन, क्या कीजिए फोर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, ये फाइव कटना चाहिए, इसका स्क्वायर हो गया, ये एक्स स्क्वायर कटना चाहिए बच्चों, ये एक्स स्क्वायर कटना चाहिए, ये माइनस टाइम फोर एक्स स्क्वायर और ये प्लस टेन आना चाहिए,
अभी क्या कीजिए, ये 4x² प्लस 5 बाय 16x4 प्लस 25, यहाँ पर x का डिवाइड कीजिए, इसका इंटीग्रेशन नीचे रहना चाहिए, ये 1 बाय 10 दोनों का है, फिर ये तुम्हारा माइनस 4x², ये 16x², देखिए इसका इंटीग्रेशन, इसका स्क्वायर ये है, इसका x स्क्वायर ये है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, आप लोग बोलिए क्या करेंगे, ये प्लस 2x² माइनस 2x² कट जाएगा, ये 9 है, क्या करेंगे, 2 और 3 चाहिए, क्या करेंगे, बोलिए 1/6 मल्टीप्लाई करें, 1/6, 1/6, 2 और 3 चाहिए, और एक 2x² प्लस किए थे तो माइनस करेंगे, 2 का स्क्वायर इधर आना है, अच्छा इधर प्लस 3 किए 6 आना जरूरी है, ये माइनस 6 आया तो वो चेक्स का तो कट गया कि नहीं, अभी इसका बाई भी कीजिए, अभी इसका स्क्वायर स्क्वायर आया कि नहीं, इसका स्क्वायर स्क्वायर आया कि नहीं, इसका भी डिवाइड कीजिए, 4x² माइनस प्लस 9 और क्या, अब इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर आया कि नहीं, देखिए अब क्या करेंगे, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर डिवाइड कीजिए, ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर डिवाइड कीजिए, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन नीचे रखिए, इसको टी लीजिए डी टी होगा, इसका भी एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे डिवाइड कीजिए, इसका इंटीग्रेशन जो आता है उसको नीचे रखिए, नीचे का होल स्क्वायर कीजिए, इसको जेड लीजिए, ऊपर डी जेड होगा, उसका नाइस स्टैंडर्ड फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, ठीक है बच्चों, मेथड समझ में आया, ये इसका कोफिशिएंट इसका कोफिशिएंट का स्क्वायर में है और इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर में है, तो डिवाइड एक्स स्क्वायर कीजिए, करते नहीं डिवाइड एक्स स्क्वायर करते नहीं, ये कितना रहा है, प्रॉब्लम आएगा साइज,